ये है टुक टुक, ये हमें मिला था गलियों में, बेबस लाचार एकदम मासूम, इसलिए हमने इसका नाम टुक टुक रख दिया। ये है इसका पहला दिन, तब इसको मीठा गाना खूब पसंद था, पर मीठा गाना इसके सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक है। ये मुझे तब पता चला जब इसकी तबीयत बिगड़ी। कुछ दिन में सब कुछ ठीक चला, 15 दिन बीत गए, 20 दिन भी बीत गए, 25 दिन भी हो गए, 1 महीना हो गया। बाद में एक दिन ऐसा भी आया कि अचानक से बीमार हो गया और इसको वायरल हो गया। वायरल ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही खतरनाक वायरल। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप अपने आसपास के पपीज, डॉग, इन सबको बचा के रखें इस वायरस से जिसका नाम है पार्वो। बहुत ही खतरनाक वायरस है। और यह है इसका दूसरा दिन, तब यह आराम से दोपहर के टाइम खाना खाने के बाद में मुझे देख रहा है और मस्त है। और ये है इसका तीसरा दिन, तब ये डे में खेल रहा है। अब ये सीधा सुरंगी के पास में जाएगा। और ये है रात के खेलते वक्त, तब ये बिल्कुल ठीक था। अब इसकी हालत ऐसी हो गई है, हम आज ही इसे ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे जहाँ पे इसके 2 DNS RL और 4 इंजेक्शन भी लगाए। सुबह शाम डेली इसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, कंटिन्यू 6 डेज, तभी जाके हमारा टुक टुक सही होगा। गाइज आप सभी लोग दुआ करें मेरा टुक टुक जल्दी से ठीक हो जाए। जो भी इस वीडियो को देख रहे लाइक करें प्लीज, और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपके पास भी ऐसा कोई प्यारा पपीज है, या आपका खुद का, या आपको कहीं मिला लावरिस, जैसा भी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक ये ठीक हो जाएगा तब तक आप सभी लोग दुआ करें टुक टुक के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। ये एक दूसरा डॉग है, इसको भी सेम वायरस हुआ है। मैं आपको बता दूं गाइस, टुक टुक की 2 बार बोतल आउट हो गई थी, काफ़ी ब्लड भी आया था, काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है इसको, इस प्यारे बच्चे को। आप सभी लोग गाइस एक बार फिर से कह रहा हूँ, दुआ करें टुक टुक जल्दी से सही हो जाए और ये वायरस भी इस दुनिया से चला जाए। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि टुक टुक जल्दी सही हो जाएगा आप सबकी दुआओं से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चल सके
कि टुक टुक की तबीयत कैसी है और आगे की वीडियो के बारे में।